ट्रिप की थीम ये है कि लो कॉस्ट मुला चटोक को कैसे एंजॉय किया जा सकता है। भाई ऊपर ये ऊपर आ रहा है। सब्सक्राइब किया है भाई, सब्सक्राइब किया भाई, ये मोहब्बत आपकी। आज का सफर शुरू हो रहा है। ये रोज से डिफरेंट ब्लॉग है, पीछे बार बार इसके देख रहा हूँ क्योंकि वीडियो खराब ना करो। ये डिफरेंट ब्लॉग है, इसके अंदर जो है ना हम लोग बाइक पे नहीं जा रहे बल्कि हम लोग सस्ते तरीन तरीके से जा रहे हैं मुला चटोक। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कम खर्च वाला नशीन मुला चटोक कैसे जा सकते हैं। एसी भी नहीं चल रहा, सत्रह लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप लोग साथ लेके चलते हैं। टेक केयर गाइस, इधर देख लो पीछे कैमरा घूम रहा है, ये अपनी बस है। अब सही है तो भाई, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेला पे और हमने बस पे पहला स्टॉप लिया है। यहाँ पे 20 मिनट या एक आधे घंटे के लिए रुके हैं, तो खाने का स्टॉप लिया यहाँ पे। और बॉयज़ अभी हम लोग इशा वगैरह पढ़ रहे थे, अभी भी कुछ बच्चे अंदर हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हॉल में खाना खाने, खाना शाना दिखाता हूँ, निकलने ही करते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 12:15 और हम लोग ने ना खाना खाया हुआ था ना इशा पड़ी हुई थी, तो दोनों काम यहाँ करके अगली गो में डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे। Let's see how it goes. No. बोटी 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 बोटी। भाई हम भाग रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए बिल देने में, सबको खिलाने के चक्कर में, और अब हम भाग रहे हैं। बस जो है वो काम गई, वो इतना दूर खड़ी हुई है। भाई हम लोग पहुंच गए एक दफ़ा फिर झालावाड़, लास्ट टाइम भी हमने जहाँ पे स्टे किया था, और अभी पुलाव डाल लें फिर चाय लगाएंगे और उसके बाद सोएंगे। जूते उतार के आना सब। आ जाओ सारे लौंडे अंदर बुलाओ। यार मैं तो खुद का लेट वही सब सोने लेट गए, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। सुबह उठते हैं फिर आपको सारे सीन से अपडेट करता हूँ। ज़्यादा शॉर्ट्स अटैच नहीं कर रहा क्योंकि अंधेरे अंधेरे का सीन चल रहा है। सब सोने लेट गए, वही सुबह हो चुकी है, हम लोग फजर के लिए उठे हुए और अब सनराइज के लिए इस बिल्डिंग की छत के ऊपर आ रहे हैं। और एनएस की सर्दी लग गई है। व्यू सामने सनराइज होने वाली है। अबे बाथरूम की खिड़की में भी था ये व्यू। ब्रूनो से तो मिला दो, ब्रूनो मांग गया। नहीं भाई, नॉट इंटरेस्टेड इन कुत्ते पिल्ले। भाई आ जाए, मुझे मेरी वीडियो में कोई आए मुझे मसला नहीं है। बॉम्ब करना है बॉम्ब करें, क्लस्टर बॉम्ब करना है कुछ भी करना है करें। मीनो वरी मीनो केयर, मीगो मैरी मिलियनेयर, मैं नहीं डाय मीनो कराए, मीगो मैरी इन अदर गाय। क्या अनस के ऊपर कोर्ट बैठा है। ये देखें लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हुए हैं राज भाई के निकलने के। ऑन है ऑन है। चलो भाई रेडी आ गए सारे दाने। नवीद भाई कहाँ हैं? नवीद भाई आए, अंदर घुस जाए, इधर आ जाए, बीच में आ जाए। आ गया भाई आ गया। अब लेट हो गए।
आ गए भाई, आ गए आ गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ये जंजुआ भाई, ये छोटा जंजुआ का है। भाई इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे नाश्ता करने, और ये चल रहा है यहाँ पे, गाड़ी हमारी आ चुकी है अनवार भाई के साथ। अगेन हमने सारे सेटअप किया है, अनवार भाई और उनकी गाड़ियाँ वो पीछे खड़ी हुई हैं, हमारा सारा सामान आ चुका है। नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे। अनवार भाई के नंबर वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कराची से ही, और सारी चीज़ें यहाँ के अरेंजमेंट सारे उन्हीं के थ्रू हो जाते हैं। तो सही बेइज्जती की है यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ देख के बोल रहे हैं कि यार डालते कहाँ हैं, बना रहे क्यों, डालते कहाँ। अच्छा भाई, तो इसी जलालत के साथ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस का पता चलता रहे। हाँ, घंटी के पीछे टिंग करके आवाज़ आती है। सफ़र शुरू हो गया, इस वक्त हम झालावान से निकल रहे हैं, रुमाल वुमाल हम सब ने बांध लिए, और ये मैनेजमेंट वाली गाड़ी है, अंदर कोई भी नहीं है, सारे बंदे बाहर हैं, बाकी गाड़ियों में बंदे अंदर हैं, सामान बाहर है, यहाँ पे सामान अंदर है। और अभी सफ़र है हमारा तकरीबन 5 से 6 घंटे का, जिसमें थोड़ी सी रोड है, बाकी ऑफ रोड है, पानी के लेवल ज़्यादा हैं, वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं। खर्चा सोफार बहुत कम हुआ है, अगेन मैंने बताया इस ट्रिप की थीम ये है कि लो कॉस्ट मुला चटोक को कैसे इन्जॉय किया जा सकता है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। जो भी सीन होते होंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हम लोग 2-3 घंटे की नींद भी ले चुके हैं, तो अल्लाह का शुक्र है तफरियाँ और नॉन सीरियस हरकतें करने के लिए बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश है। अनानास सब्सक्राइब नहीं करना, हम लोगों को करना तो वैसे ही नहीं, हम लोगों को करना सब्सक्राइब। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी। Give up something for Allah, replaces it with something much better. You see, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then I refat in the blazing heat. Hey, bhai, legend! Thank you so much, bhai. Jazakallah. क्या बात है? भाई ये देखे मेरी कैप उड़ गई थी और पीछे से जवान जो है ना 70 पट्टे में आए और कैप देकर गए। भाई क्यों रुके हैं, कोई समझाएगा? Mustalifa was a perfect sleep. Underneath the stars on the concrete. Disbelief here. अपडेट ये कि इस वक्त बज रहा है 12:30 बज रहा है, और जो है हम लोग बीच में एक जगह पे रुके हुए हैं, बहुत आगे तक रोड है। आज से कई साल पहले 2014 वगैरह में जब हम लोग मूला चटोक जाते थे ट्रिप्स लेके, तो बहुत जल्दी ऑफ रोडिंग शुरू जाती थी, और अब जाके कहीं ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई है। खैर, दूसरी पानी की क्रॉसिंग आई है, यहाँ पर हम लोग रुके हैं ईजी होने के लिए, और सफ़र चल रहा है। हम लोग पीछे बैठे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, जो लोग पहली दफ़ा आए हैं वो पीछे बैठे बैठे थक गए हैं, और बज़ाहिर यही है, और कोई ख़ास अपडेट नहीं है। अभी हाथ मुँह गीला करके उसके बाद सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। सुकून मिला, बहुत देर से बैठा हुआ था रोक के, अबे ये रिकॉर्ड। बारियाँ लगी हुई हैं भाई, बारियाँ लगी हुई हैं बोतलों पर। आ जाओ। ओहो, देयर इज कंक्रीट, अल्लाह लुक एट व्हाट यू डन फॉर मी, सीरियसली लुक एट व्हाट ही डन टू मी, आई विश आई कुड स्टॉप ऑल माय सिंस, आई कंसील देम बिकॉज़ दे आर एंबैरस्ड। मूला चटोक का मेरा ये 16वां ट्रिप 2013 से मैं जा रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल और इन्जॉयबल सफ़र था। इस सफ़र की एक ख़ास बात ये भी थी कि बारिशों और इस साल के सैलाबी रेलों के बाद से मूला चटोक की शक्ल हमेशा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, और हम लोग सब काम डिवाइड करके साथ इन्जॉयमेंट की नियत से ही आए हैं, किसी एक दो बंदे पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। सफ़र के दौरान ऑफ रोडिंग और इसके इतने दिलकश शॉट्स थे कि मैंने सोचा उनको ऐड करूं, और उनको ऐड करते करते ये वीडियो काफ़ी तवील हो गई, इसलिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। फाइनेंशियली जैसे कि मैंने बताया था कि लो कॉस्ट मूला चटोक की ट्रिप के लिए वीडियो बना रहा हूं,
तो आखिर में सेकंड पार्ट के एंड में सब कुछ क्लियर शेयर करें। दो फार 1100 रुपए में हम लोग बस में बैठ के फुलतार आए कराची से। उसके बाद हमने जो जीप्स कराई हैं ये 21,000 फी जीप के हिसाब से हमने जीप कराई, और जो भी सामान खाने पीने का लिया वो फुलतार से ही अनवार भाई के थ्रू अरेंज करवा लिया। इस तरह से अब तक बहुत कम खर्चा हुआ है और बाकी भी आखिर में आपसे शेयर कर दूंगा। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मूला पे, जहाँ पे कैंपिंग वगैरह की जाती है, गाड़ियाँ पार्क की हैं। देखते हैं हम यहीं पे कैंप करते हैं या आगे बढ़ते हैं। अभी बहरहाल खाना करके, ताकि खाने का लोड हम ना बेयर करें, और फिर हम आगे जाएंगे। वो रास्ता है जो दो पहाड़ों के दरमियान से मूला के लिए ट्रैकिंग है। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, बट यहाँ पर ठंड जल्दी बढ़ेगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। खाना भी मिलता है आप लोगों के साथ। चमचा मिल गया, चमचा। क्या फोड़ रहा है, कोई आसरा नहीं। शाबा शाबा, फोड़ो फोड़ो। नहीं आई, रिफिल के लिए प्लेट आई। मैं हंसी शुरू है। इस वक्त टाइम हो चुका है 3:30 बजे, और अब हमारे पास कम टाइम बचा है, क्योंकि ये चक्कर है यहाँ पे 3:30 बजे कितना जाना, वो रोशनी कम होना स्टार्ट हो गई है। और अभी तक हम आगे गए नहीं, हमने खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ ली है, जमात की थी। अब हम आगे जा रहे हैं, एटलीस्ट 1 घंटे की ऑनवर्ड्स ट्रैकिंग है, फिर वहाँ पर हम एटलीस्ट 1 घंटा गुजारें, फिर 1 घंटे वापस आएंगे, तो इस तरह 6 बज जाएगा और यहाँ पर मगरब भी जल्दी होगी। तो वी हैव गॉट सो लेस टाइम, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सही है भाई। सर आप कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे पत्थर स्लिप मार रहे हैं। इधर से आ जाओ, इधर से फराज। चलो बॉय चलो। ये तो भाई अभी तक ट्रैकिंग चल रही है, अभी हमें सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए हैं, और ये चेक करें 15-20 मिनट से हमने जो भी चला है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सामने जो पत्थर दिख रहा है, ये जगह प्लेन होती थी, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर नहीं होते थे। ये वो स्पॉट है जहाँ पे जीप्स पार्क होती थी। जीप्स पहले जब हम मूला छोटो का आते थे 2014-15-16-17 में, तो यहाँ पे हम लोग जीप्स पार्क करते थे और फिर वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करते थे। कभी यहाँ पे कैंप किया है, कभी आगे कैंप किया है। लेकिन अभी जो 20 मिनट की हमने ट्रैकिंग की है, अब अगेन 40 मिनट का काउंटर आई गेस दोबारा स्टार्ट होता है। इस वक्त हमें हो चुके हैं लिटिल मोर देन आधा घंटा, और ये वो पॉइंट है जो कि बड़ा आइडियल है कैंपिंग के लिए। खामोशी और बड़ा ज़बरदस्त सीनरी, और जो है ना ये बड़ी मज़े की जगह थी कैंपिंग के लिए। लेकिन इतना आगे ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हम चले हैं, तब जाके यहाँ पहुँचे। यहाँ सामान और सब कुछ लाना बड़ा मुश्किल है। सलाम साहब। सलाम गुरु। सलाम साहब। पहले से आराम है साहब। फाइनली वी हैव रीच, अल्हम्दुलिल्लाह। Last night I was in Switzerland. I'm a traveler on these lands. Sitting on a boat going Santander. ये चेक करें, थारो थारो वाले मजे, और पीछे मूला चिटोक, सॉरी थारो नहीं, छोटा चिटोक वाले मजे। To Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveler on these lands. This morning I was chilling out in London. Oh. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland.